बताऊंगी पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या है? आजकल महिलाएं इससे इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है, कई महिलाएं तो जानती ही नहीं है कि वो इस बीमारी से सफ़र कर रही हैं, वो इसी से अनजान है। जो जानते हैं वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं सही समय पे और उनका इलाज अच्छे से हो जाता है। कई महिलाएं जो होती इन बीमारी से अनजान रहती हैं और फिर बाद में उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। पीसीओडी होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एंड पीसीओएस भी कहते हैं इसको, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है उसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, मतलब जैसे आपकी त्वचा में फोड़े जैसे बन जाते हैं या गांठें जैसी बन जाती हैं छोटी छोटी, वैसे ही ओवरी में बन जाती हैं। उसको हम कहते हैं सिस्ट या फिर गांठ, मल्टीपल सिस्ट या गांठ। उससे वैसे क्या होता है कि ओवरी का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है। और ये होता है इसलिए क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जो महिलाओं में इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं, वो सेक्स हार्मोन जो होते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाने से या उनकी इम्बैलेंस हो जाने से जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है उसमें महिलाओं को अनियमित महीना आता है और प्रेगनेंसी के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, कंसीविंग में बहुत दिक्कत होती है। मतलब जो बच्चे होते हैं उनको रोकने में या उन गर्भ रोकने में जो होती है महिलाओं को दिक्कत होती है और उसकी वजह से अबॉर्ट ज़्यादा होते हैं, बच्चे जो है मिसकैरेज जल्दी और ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से जो हमारे गर्भ धारण करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है पीसीओडी की वजह से, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन की दिक्कत भी हो जाती है। पीसीओडी का कारण क्या है मैं आपको बताऊंगी। पीसीओडी का कारण फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला कारण तो यही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब हार्मोन्स का गड़बड़ा जाना, ये पीसीओडी का कारण है। जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो जाने की वजह से पीसीओडी की दिक्कत होती है। दूसरा है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। महिलाएं जो होती हैं बाहर का खाना बहुत खाती हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन ऐसी चीज़ें खाती हैं। कई महिलाएं स्मोकिंग भी करती हैं, जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्टाइल में जीती हैं वो, तो ये सब चीज़ें करने से भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा, हमारा डाइट रेजिमेंट पुअर हो जाने की वजह से भी, मैंने कहा ना बाहर का खाना खाते स्ट्रीट फूड्स ज़्यादा लेती हैं महिलाएं, तो उनको भी जो है पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं महिलाएं, उनको भी पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। ओवरवेट होने की वजह से भी पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती हैं, अपने सेडेंट्री लाइफ जीती है, उन लोगों को भी पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पीसीओडी अगर हो रहा है, हो गया है या हो आपको पता चल गया है कि ऐसी दिक्कत हो रही है, शुरुआती दिक्कत है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ योगा होते हैं वो आप कर सकते हैं, या फिर डाइट रेजिमेंट अच्छा करके भी उसको आप जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका। अब मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी अगर है तो उसमें क्या मैनेजमेंट करें, क्या डाइट रेजिमेंट लें। पीसीओडी अगर किसी को है तो उसको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जैसे दिन में 3 बार या 5 बार तो हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। बादाम लें, काजू लें, ड्राई फ्रूट्स अपने डाइट में लें। दूसरी बात, दूध पीना चाहिए, ब्रोकली खानी चाहिए। ब्रोकली जो होती है हरे रंग की गोभी जैसी होती है, उसकी हरे रंग की गोभी जैसी होती है, उसको खाने से जो पीसीओडी की दिक्कत में काफ़ी रिलीफ मिलता है। जो ओवरी में गांठें होती हैं वो उनको कम करने में हेल्प करता है। दूसरा, अलसी के बीज, जो अलसी के बीज होते हैं उनका पाउडर पीस के आप खाएं तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो पीसीओडी में भी हेल्प करता है। और हाँ, पीसीओडी की जो महिलाएं होती हैं उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर उनको डायबिटीज़ होती है तो उसमें भी अलसी के जो बीज होते हैं उनका पाउडर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। पीसीओडी की जो महिलाएं हैं उनको जो है आंवला खाना चाहिए, जामुन खाना चाहिए, और अलसी के बीज, दालचीनी, दही, मट्ठा, दूध ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो डाइट रेजिमेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महिलाओं को एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ योगा आसन है जो कि करने चाहिए, जो कि पीसीओडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि वज्रासन, कोबरा पोज, भुजंग आसन, और मैंने पहले भी बताया था कमल आसन, बाल आसन। ये सारे आसन मैंने कुछ पहले भी बताए हैं और कुछ इसमें नए आसन हैं जो कि इसको करने से वाकई आराम मिलता है। प्राणायाम करने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। डीप ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती है
वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो पीसीओडी होता है तो उसमें कौन कौन हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होते हैं। प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन मैंने बताया कि इसमें हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और दूसरी बात कुछ मेल सेक्स हार्मोन होते हैं जैसे एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, जो कि इसमें अधिक मात्रा हो जाती है, तो जिससे कुछ सिम्टम्स आते हैं महिलाओं में पीसीओडी की, जैसे कि ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर, मतलब अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है। यहाँ फेस में हेयर होएंगे, यहाँ पे हेयर हो जाएंगे, चेस्ट पे हेयर हो जाएंगे उनके, तो बालों का अनियमित रूप से होना ये पीसीओडी के सिम्टम है। दूसरा नीचे पेड़ों में दर्द, मतलब नीचे जो लोअर एब्डोमेन है जिसको हम कॉमनली कहते हैं, जो लेडीज़ आती है पेशेंट वो हमें कहती है मेरे पेड़ों में बहुत दर्द है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। अनियमित महामारी हो जाती है, कुछ लोगों की महामारी बंद हो जाती है या फिर किस लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये दिक्कत होती है। दूसरी बात, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से जो है मेल सेक्स हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के बाल ज़्यादा आते हैं, पेट बढ़ जाता है, बेली फैट इंक्रीज हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, चेहरे में एक्ने हो जाते हैं, कुछ काले काले धब्बे जैसे बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं। और हाँ, दूसरी बात बताऊँगी, जो डायबिटीज़ अगर महिलाओं को हो जाती है, पीसीओडी की जो महिलाएं हैं उनमें डायबिटीज़ होती है, तो यहाँ गर्दन में उनके काले काले धब्बे बन जाते हैं, यहाँ पैचेस जैसे बन जाते हैं, तो वो इसका साइन है कि इसको पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है और साथ में डायबिटीज़ भी है। अब पीसीओडी की वजह से क्या होता है कि जो डायबिटीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इंसुलिन बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो महिलाओं को हो जाती है पीसीओडी में। इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और कई महिलाएँ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं पीसीओडी की वजह से, क्योंकि ओवरी में बहुत सारी कांठे हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट पल्सेटिला जो होती है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी, जिसमें पल्सेटिला जो है इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, सीपिया भी अच्छी मेडिसिन है, और साइलिशिया भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर अगर हम केस टीकिंग लेंगे मेडिसिन से, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है, पीसीओडी को होम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है। अब इसमें सर्जरी भी करते हैं कई लोग, इसमें सर्जरी में हम ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, लेप्रोस्कोपी करते हैं, तो उससे भी जो है सर्जरी के थ्रू भी पीसीओडी को ठीक किया जाता है, वो तो सर्जिकल है। दूसरी बात ये है कि पीसीओडी के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिससे कि हम डायग्नोस कर सकें कि इसको पीसीओडी है। तो टेस्ट हैं, सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें हार्मोन टेस्ट भी होता है, मतलब थायराइड हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये जो हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा कितनी बढ़ गई है या कौन सा हार्मोन ज़्यादा इम्बैलेंस है, इसका पता करते हैं। इसमें थायराइड प्रोफाइल भी कराते हैं, थायराइड हार्मोन बढ़ने की वजह से कहीं हाइपर थायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म तो नहीं है, इसकी वजह से भी पीसीओडी के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको भी टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, डायबिटीज़ का टेस्ट कराते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें हम और भी टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हम इसमें एक तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पहला तो ब्लड टेस्ट हो गया, फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि ओवरी में सिस्ट है या नहीं। ओवरी में अगर सिस्ट है तो मल्टीपल सिस्ट है या कोई एक ही सिस्ट है, तो इसका पता चलता है। ये हमने टेस्ट कराए, अब हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताया है। सर्जिकल में ओवेरियन ड्रिलिंग या लेप्रोस्कोपी करी जाती है, जिसकी वजह से इसको ठीक किया जाता है। डाइट एंड रेजिमेंट मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो पीसीओडी होता है उसमें क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, और जो LH हार्मोन होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उसकी वजह से भी पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि LH की मात्रा जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू सो मच, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सारी महिलाएं इस डिज़ीज़ के लिए अवेयर हो सके और सही समय पर ट्रीटमेंट ले सके। थैंक यू सो मच।